प्रिय दर्शकों नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के रोल शॉप में सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। सेल आरएसपी द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर चिन्मया विद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और आजादी का अमृत महोत्सव दो की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं दिवाकर पड़ीदा। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के रोल शॉप विभाग में 4 नवंबर को एक सृजनी मेला सह पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक डिजाइन शॉप और रोल शॉप श्री रवि रंजन ने समारोह की अध्यक्षता की। मंच पर महाप्रबंधक प्रभारी रोल शॉप श्री के पांडे और सहायक महाप्रबंधक आईईडी श्री बीके बेहरा उपस्थित थे। गणमान्यों ने पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह के विभाग में के कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। अपने संबोधन में श्री रवि रंजन ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और सभी को संयंत्र के समग्र विकास के लिए नवीन विचारों के साथ सामने आने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री बीके बेहरा ने विभाग में सृजनी सृजनशील योजना की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। कुल 123 सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से 103 सुझावों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। कर्मचारियों को 26,650 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जा चुका है। कार्यान्वित सुझाव से अर्जित एकमुश्त लाभ 93.31 लाख रुपये हैं और आवर्तित लाभ 47.2 लाख रुपये हैं। मेले के दौरान लगभग 200 नए सुझाव प्राप्त हुए। वरिष्ठ प्रबंधक रोल शॉप श्री एसके जेना ने सभा का स्वागत किया और समारोह का संचालन किया, जबकि उप महाप्रबंधक रोल शॉप श्री एमआर महाराणा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सतर्कता विभाग द्वारा 2 नवंबर को चिन्मया विद्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक सतर्कता और ACVO श्री मानस कुमार गुप्ता ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर पुरस्कार वितरण किए। मंच पर चिन्मया विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती शर्मिष्ठा कवि सतपति, महाप्रबंधक सतर्कता श्री सौमित कुमार और सहायक महाप्रबंधक सतर्कता श्री संदीप बंसल उपस्थित थे। कुल 390 विद्यार्थियों ने भाषण, निबंध, चित्रांकन और क्विज जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। सभी प्रतियोगिताएं इस वर्ष की विषय वस्तु भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत पर आधारित थी। समारोह में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों ने भाग लिया और सुश्री सरस्वती महापात्र ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव दो समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों और कुछ प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं दिवाकर परिडा। दिवाकर परिडा का जन्म 30 नवंबर 1911 को नयागांव जिले के रणपुर के पास गड़ाबनीलो किलो में हुआ था। वे पिता से प्रेरित थे। उन्होंने अपने मित्र रघुनाथ महंती के साथ प्रजामंडल आंदोलन में शामिल हुए और रणपुर में आंदोलन आयोजित के नेतृत्व का बागडोर संभाला। वे वीर और सच्चे देशभक्त थे। उन्हें मेजर बेंजल गेट हत्या की साजिश में दोषी ठहराया गया था और 4 अप्रैल 1941 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।